The CBI is currently investigating the RG Kaur rape and murder case, and so far it has recorded statements of more than 10 people in the last couple of days, which also includes the victim's family. If sources are to be believed, CBI has got different leads. According to sources, CBI has prepared a list of 30 to 35 people. Some friends of the deceased are also included in this list of the CBI. These are the friends whose names have been given to the CBI by the victim's family members. Some hospital guards and Kolkata police security personnel are also on the CBI's radar. We're also getting to know that the CBI has received information about the former principal of RG Kaur, Dr. Sandeep Ghosh, and on the basis of investigation, CBI has questioned him as well. Renik continues to be with us for more on this story. Renik, CBI ki jo jaanch ab tak chal rahi hai, kitna progress ho paya hai aur ab aage ka kya karwai ka plan hai unka? देखिए सीबीआई की तरफ से तीनों तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाया जा रहा है। एक तरफ दो डीआईजी रैंकिंग ऑफिसर, एक एडिशनल डायरेक्टर रैंकिंग ऑफिसर, वो इन्फॉर्मेशन का जो पार्ट उनकी तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से 3D स्कैनिंग के माध्यम से पूरा घटना का जो सीन विश्लेषण का कोशिश वो सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो परिवार है, परिवार की तरफ से जो कंप्लेन बार बार से किया जा रहा था और जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर है उनके तरफ से जिस तरीके का बार बार से कंप्लेन आ रहा था उसको लेकर जांच सीबीआई का और एक टीम कर रहा है। और इसी जांच में सीबीआई के पास विक्टिम फैमिली की तरफ से जो कंप्लेन आया है उसके बेसिस पर और उसके साथ साथ संजय राय को इंट्रोगेशन करने के बाद जो नाम सामने आया है इसी नाम के आधार पर 30 से 35 लोगों का एक नाम का लिस्ट सीबीआई की तरफ से तैयार किया गया है। उनको पूछताछ के लिए बुला सकते हैं सीबीआई। अभी तक सीबीआई के सूत्रों में खबर आ रहा है कि 10 लोगों का इंट्रोगेशन हुआ है और 10 लोगों का बयान सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। जिस 10 लोगों के अंदर में विक्टिम का फैमिली में ही मौजूद है, हॉस्पिटल का सुपर, असिस्टेंट सुपर और केस डिपार्टमेंट का HOD भी मौजूद है। और उसी टाइम में यानी जिस रात को ये हादसा घटा था उस रात में जो ऑन ड्यूटी रेड था उनको भी इंट्रोगेशन किया गया है सीबीआई की तरफ से। उसके साथ साथ ही 5 डॉक्टर का इंट्रोगेशन किया गया है सीबीआई की तरफ से, ऐसा सीबीआई सोर्सेज माध्यम से खबर मिल रहा है। यानी पूरा कुल मिलाकर सीबीआई की तरफ से यह ध्यान में रखा जा रहा है कि ये पूरा घटनाकर जो सीन विश्लेषण किया गया, क्योंकि संजय राव जो मेन एक्टिव है उनका 14 दिन का सीबीआई का स्टडी है, तो 14 दिन के अंदर ही पूरा घटना का जो सीन विश्लेषण ये तरफ से किया जाएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.